ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਮੈਟਰ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਖੱਪ ਪਾਏ ਪਹਿਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਹੀ ਹੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੈਡ ਹੋਏਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੈਡ ਹੋਏਗੇ ਨਹੀਂ ਸੈਡ नहीं छोड़ो एमरजेंसी नहीं बंद करो एमरजेंसी बंद होगी अगर वो मैडम ले आओ जिन्ने नु धक्के मार के बाहर कढ़िया जिन्ने क्या मैं कोरोना दा टीका लेने लेने हां फिर एमरजेंसी खुलेगी फिर खुलेगी अगर तू ही खोलनी है खोलनी तू ही एमरजेंसी और एमरजेंसी आप देख रहे हैं आम लोगों के बीच में पुलिस के बीच में झपड़ हो रही है ये बख्शी नगर अस्पताल का मामला जो है वो निकल के आ रहा है तुसा इलाज कराना या पहले वो करना और तानू तुम की दिक्कत है इलाज नहीं कराना और इलाज कराना मैडम चाहिए और ये कोरिया का बाहर वाला मीडिया वाला गाड़ी खड़ा करना आई अपना पेशेंट लेना क्या क्यों ने सानू तुम की दी कोरोना का टीका मैडम ने नर्स ने अंदर मरा जब गल ही नहीं सुननी नहीं सुननी अगर नहीं हो गया फिर वापस आई मेरी गल पहले मेरी गल सुनो एक मिनट मेरी गल सुनो तुम मुलाजम जे ना असि भी गवर्नमेंट मुलाजम इस वर्दी च जामे झाड़ू चामे ठीक है थोड़ा थोड़ा शांत रहो शांत नहीं इन्होंने इन्हें कहा मीडिया अंदर नहीं आएगी टीका लावांगी और मीडिया अंदर नहीं आएगी गल में सुनना आया नहीं तू सुना दे अंदर गए दसो नहीं क्यों कसवा गया तू जिम्मेवार तू वर्दी पा के खड़ा तू जिम्मेवार वर्दी वर्दी उतार ला फिर साडे नाल गल कर ला क्यों नहीं आखिए साडा साथ दे मीडिया को सवाल जवाब लो इनका कहना है कि इनके साथ मैन हैंडलिंग हुई है पेशेंट से इनको निकाल के बाहर फेंक दिया वहाँ पर रोड के मैं जावांगी अंदर जरूर अंदर जरूर जावांगी इन कुछ हो गया तू जिम्मेवार इलाज कराने इन चिर खड़ोते पक्का किसी ना किसी इन चिर खड़ोते कोई गल नहीं हो जाएगा इनका कहना है कि हमें अंदर से धमकी दी गई है अगर आप दादा बोलोगे तो आपको इंजेक्शन लगा देंगे कोरोना का इसीलिए डरे हुए हैं ऐसा नहीं कोई ताई जब बोल रहे हैं मैडम ले आओ और डॉक्टर ले आओ चलो अंदर अंदर भैया गल करना अंदर भैया गल करना नहीं गल तो सुनो ये आश्वासन दिला रहे हैं अंदर भैया चलो 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 जैसे कि आप देख रहे हैं रंग के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की बात जो है यहाँ बख्शी नगर अस्पताल में निकल के बाहर आ रही है पुलिस ने समझा बुझा के अब जाके इन्हें बातचीत करने के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं पेशेंट की हालत जो है खराब है और बताई जा रही है कि इनका रंग जो है वो काला है इसलिए अस्पताल प्रशासन ने इलाज करने से मना कर दिया और इसी पे परिवार जन जो है वो गुस्से में है और उनका कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उनके साथ किया जा रहा है अब देखते हैं पुलिस किस प्रकार से इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेगी कोरोना का टीका लगा ये आवाज दो आवाज दो एना नहीं तो मैं ऐसी भी तासी कर दूं विजय पुलिस की तो विजय एना नहीं इन्हों पता नहीं पंगा कि पा लिया लियाओ लियाओ डॉक्टर लियाओ लियाओ डॉक्टर लिया लिया।
जैसे कि आप देख सकते हैं पेशेंट के साथ जो मौजूद थे वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, तो आप मुझे मैम बताएं असल में मामला क्या हो गया था, किस बात को लेकर इनको ना अटैक हुआ था, रात से इसके बहुत पेट में दर्द था, इनको रात को लेके आए यहाँ, तो जब इनके ट्रीटमेंट चल रही थी तो डॉक्टर ने बोला कौन सा पेशेंट, जब इनको दिखाया तो बोलते ये जो इतना काला है ये काले पेशेंट का हम इलाज ही नहीं करते, तो ऐसे करके इसकी सुइयां ऐसे ऐसे करके खींच के निकाल के, तो जो रिपोर्ट थी डॉक्टर ने वो भी छीन ली और इनको बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ने किया कि ये डॉक्टर नहीं डॉक्टर ने किया और जो सिक्योरिटी गार्ड थे इन्होंने धक्के मार के, वो जो हमारी लेडीज मेरी बहू है उसको इन्होंने यहाँ से पकड़ के तो गले से पकड़ के तो बाहर निकाल दिया। यानी कि मेल स्टाफ था उन्होंने फीमेल पे हाथ लगाया। हाँ हाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उसको गले से पकड़ के बाहर निकाल दिया। नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हो गया अंदर? मुझे ये नहीं पता, लेकिन इन्होंने यही बोला कि ये काला रंग है, हम काले रंग का इलाज। बजे आए थे आप लोग यहाँ पे? ये जिसको रात को दर्द हुआ था ये सुबह 8 बजे आए हुए हैं यहाँ पे। 8 बजे? हाँ हाँ। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है इनकी लापरवाही की वजह से कौन जिम्मेदार रहेगा? ये हम डिपार्टमेंट को ही बोलेंगे, हॉस्पिटल जो डिपार्टमेंट है इन्हीं की जिम्मेदार रह रहा है। आप क्या चाहते हैं, ये इनका इलाज जो है मरीज का किस प्रकार? इन्होंने धमकी दी ना कि अगर आप यहाँ पे इलाज कराओगे तो हम इंजेक्शन लगा देंगे। कौन सा इंजेक्शन? कोरोना का इंजेक्शन लगा देंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इंसान आता है, कोरोना का कौन सा इंजेक्शन है इनके पास जो जिसे मरीज मर जाता है? वैक्सीन तो सुनी ही, कोरोना का कौन सा इंजेक्शन? कोरोना का इंजेक्शन लगा देंगे, इसको तो आपको कुछ भी नहीं मिल जाएगा, ऐसे इन्होंने ये धमकी दिया, इसलिए ये डर के मारे अब करवा नहीं रहे। कैसे करवाई गई अगली? हाँ तो कैसे करवाई, इसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर इसका कुछ हो जाता है तो क्या इसका जिम्मेदार कौन है? कल मर जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब ये मुंह के ऊपर मैं कह रही है कि मैं इसको कोरोना का टीका लगा के मैं मार दूंगी, तो ये मार भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल प्रशासन तो ऐसा है जहाँ पे विश्वास करके पेशेंट जो है इतनी इतनी दूर से आए हैं, कोई कुल्लू मनाली से, कोई भुवनतर से, कोई पहाड़ी इलाके से लेके आए यकीन विश्वास के ऊपर में, तो वो कह रहे हम इलाज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे दाखिल करेंगे तो मार देंगे, तो वो सच में मार भी सकते हैं। वो डर की वजह से कैसे उनको दाखिल करेगा? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा ऐसे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास जो है पेशेंट का इस पर सब टूट चुका है, टूट चुका है, अब है नहीं विश्वास, नहीं है यकीन, नहीं है कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पेशेंट को सिर्फ इस वजह से इलाज नहीं दिया गया क्योंकि उसका रंग जो है वो काला है। अब अगर भारत देश की बात करूं यहाँ पे हर रंग के रोग रहते हैं, यहाँ पे गोरे भी हैं, काले भी हैं, सांवले भी, हर प्रकार के हैं। और कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं स्कूल के अंदर एंटर जब बच्चा करता है यानी कि प्री प्राइमरी क्लास से ही नो डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के चाहे वो कास्ट, कलर, क्रीड या किसी भी फील्ड की मैं बात करूं, तो स्कूल में एंटर करते ही सबसे पहला सबक तो यही सिखाया जाता है। तो ये डॉक्टर्स कहां से पढ़ाई करके आए हैं जहां पे इन्हें सिखाया जाता है कि काले रंग के लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा, और अगर वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें जान से मार दिए जाने की धमकियां तक दी जाती हैं। तो ये हाल है यहां पे बख्शीनगर अस्पताल का। अस्पताल की पोल पहले भी बहुत बार खुली है पर आज जो एक नया मामला जो निकल के आया है कहीं ना कहीं लापरवाही तो दिखती है, डॉक्टर्स की भी दिखती है, बाकी स्टाफ की भी दिखती है, और फीमेल के ऊपर मेल स्टाफ का हाथ लगाना, उन्हें खींचातानी करना, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि हमारे समाज में औरतों का दर्जा अभी भी इस कदर है कि कोई गरीब है तो आप उसके ऊपर हाथ उठाएंगे? अब देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इनके ट्रीटमेंट के लिए कौन निकल के बाहर आता है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और पूरी सुरक्षा की जो एक श्योरिटी है वो कौन देगा? जो भी रिपोर्ट्स आएंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं रितिका राजपूत गुलिस्तान न्यूज के साथ, धन्यवाद।